गुजरात में वोटिंग से पहले बीजेपी को जीत की मणि मिल गई। मणि जिसमें जीत की रोशनी है, मणि जिसमें सीट की दौलत छिपी है। बीजेपी को यह मणि राह चलते नहीं मिली है, बल्कि इसे खोजा है खुद प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के खिलाफ नई नई हरकतें करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है। गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सूरत से 1100 किलोमीटर दूर दिल्ली में इस मणि का पता लगा। बीजेपी की वो मणि है श्रीमान मणिशंकर अय्यर। मणि का मतलब होता है बहुमूल्य रत्न, और मणि के बारे में धार्मिक मिथक है कि मणि जिसको मिल जाए उसको अजेय बना देती है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पर इसके लिए मणि की साधना करनी पड़ती है, और पीएम मोदी ने मणि साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी की मणि साधना के कई चरणों में आपको लेकर चलेंगे, पर उसे समझने के लिए आप पहले मणि की मामूली ताकत देख और सुन लीजिए। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के के, के, के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इधर दिल्ली में मणि के ये स्वर गूंज, और उधर 1100 किलोमीटर दूर सूरत की जनसभा में खड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मणिनाद को अपनी दिव्य इंद्रियों से सुन लिया। श्रीमान मणिशंकर अय्यर। मणि के नामोच्चार के साथ ही मोदी ने मणि की साधना शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले मणि के कांग्रेसी रक्षा कवच को तोड़ने के लिए उसे अभिमंत्रित जाति पात्र के जल में स्नान करवाया। श्रीमान मणिशंकर अय्यर। एमणे कहू आ मोदी तो नीच जाति नो छे, आ मोदी तो नीच छे, आ मोदी तो नीच जाति नो छे, आ मोदी तो नीच छे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने मणि के सामने गुजरात राष्ट्र गौरव स्त्रोत का पाठ शुरू कर अपने वश में करने की साधना शुरू की, जिससे उसकी सुप्त शक्तियां जागने लगी। कैसे, सुनिए। भाइयों बहनों, आपमान गुजरात पूछेगा नहीं, आपमान गुजरात पूछेगा नहीं। भाइयों बहनों, आपमान गुजरात पूछेगा नहीं, आपमान गुजरात पूछेगा नहीं। फिर मोदी ने मणि को पूरी तरह बीजेपी के वश में करने के लिए मुगल यज्ञ शुरू कर दिया। आ मोगलाई मानसिकता, सल्तनती मानसिकता जेना कारण बीजाने नीच तरीके जोवा। भाइयों बहनों, तमे हमने गधेड़ा किदा, तमे हमने गंदी नाली ना कीड़ा किदा, तमे हमने नीच जाति ना किदा, तमे हमने नीच किदा। 2 घंटे की साधना में मोदी ने बीजेपी के लिए मणि का वशीकरण कर लिया। तीन घंटे के भीतर मणि के बीजेपी वशीकरण से कांग्रेस को अपनी शक्ति छिनने का एहसास होने लगा। उसने फौरन मणि पर माफी जल का छिड़काव कर उसे बचाने की कोशिश की। अपने मन में
लो का तर्जुमा किया नीच में। अब यदि नीच का और कोई हम अर्थ बनता है तो माजरत चाहता हूँ। पर इससे भी जब मणि की कांग्रेस शक्तियां नहीं लौटी तो कांग्रेस ने मणि को नष्ट कर सियासी विनाश से बचने की कोशिश की। और जब एक व्यक्ति ने उस लाइन को पार किया तो चाहे वो कांग्रेस का बड़ा नेता था, राहुल जी ने उसको निलंबित कर दिया। कांग्रेस की मणि को वापस पाने और उसके उल्टे असर से बचने की सारी कोशिशें बेकार होने लगी। धीरे धीरे मोदी की मणि मंत्र सिद्ध का असर गुजरात के वोटरों पर फैलने लगा। इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है बीजेपी को। तो आप शब्द तो बोल नहीं सकते ऐसे, वो कैसे भी हो जैसे भी हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बीजेपी को डायरेक्टली फायदा मिलेगा ही, 100% बीजेपी को फायदा है। कांग्रेस वाले इसलिए बोल रहे हैं कि उसकी जो पिछली बार सत्ता नहीं आई थी इसलिए वो उसके दबाव में बोल रहे हैं गलत शब्द। सर ये कांग्रेस अपने लिए नुकसान कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में मोदी जी ही आने वाले हैं। वो गलत इम्पैक्ट होगी उनके पर ही, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं से भी जनता के नजरों में माफ करने के लायक नहीं। कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक राजा होता है, उनकी एक इज्जत होती है, एक विशेष दर्जा होता है, तो उस प्रधानमंत्री के बारे में ये गलत बोलना है, बिल्कुल रॉन्ग है कांग्रेस वालों का। ये जो भी अभी अब हम पार्टी देख रहे हैं वो यही भाषा का उपयोग कर रही है। लोगों को जो प्रॉब्लम हुए उसके लिए बोलना चाहिए, ऐसी बात बतानी नहीं चाहिए। कांग्रेस के सिवा किसी और के पास सत्ता है वो ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप ऐसे महान प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, बाद में उन्होंने माफी मांगी, अब पछताने से क्या फायदा। चिड़िया छूट गई खेत, अभी कुछ नहीं होगा, परिस्थिति कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस नुकसान जरूर होगा। इसके बाद मोदी ने वोटर से मौन धारण कर ईवीएम के जरिए मणि का असर विरोधियों को दिखाने का आवाहन किया। कमरना निशान पर बटन दबावी ने उच्च काम करीने अपने बताविए, नीचलो जवाब आज हो सके। कांग्रेस की मणि की मोदी सिद्धि का असर क्या होगा? क्या मणि से मोदी चुनावी बाजी पलट देंगे? अगर हाँ तो कैसे? और सवाल ये कि विकास के लिए होने वाले चुनाव में मणि शक्तियां कैसे कारगर हो जाती हैं? जवाब आपको समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। मणिशंकर अय्यर के जो रिमार्क्स हैं उसकी वजह से एलीट वर्सेस ऑर्डिनरी लोग जो हैं, प्रधानमंत्री ने जो स्पिन भी दिया है कि ये इंसल्ट है गुजरात को, ये इंसल्ट है उनको, तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसको बढ़त मिल सकती है। हमारी जनता बह जाती है इमोशनल मुद्दों में, हर इलेक्शन इमोशन पे होता है, ऐसा नहीं है कि आप आंकड़े दे दीजिए। आंकड़े को इमोशनल बनाना ही तो एक पॉलिटिकल स्किल है, और जिसके पास वो है वो जीतता है। बिल्कुल बीजेपी को हैंडल दिया है इस बयान ने, क्योंकि 2014 में भी मणिशंकर अय्यर ने जब कहा था कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हालांकि वो चाय वाला बनना चाहे तो AICC में हम उनको जगह दे देंगे, उससे बिल्कुल ही एक बवाल खड़ा हो गया था और बीजेपी ने उसको बहुत अच्छी तरह से भुनाया था। फिलहाल ये एक पिंग पोंग हो गया है गुजरात चुनाव में, और भाजपा इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के मणिमारक अनुष्ठान से देश की जनता बहुत आहत हो गई, उसने मोदी के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया। मणिशंकर अय्यर हाय हाय, मणिशंकर अय्यर हाय हाय, मणिशंकर अय्यर हाय हाय। गुस्सा सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, पटना से लेकर जम्मू तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि मोदी के हाथ में गई उनकी मणि कितनी घातक साबित हो सकती है, लिहाजा राहुल गांधी ने मणि के असर को काटने के लिए नैतिकता का मंत्र पढ़कर छोटा उदयपुर में मणि पर मोदी के वशीकरण को काटने की कोशिश की। कल एक सीनियर नेता ने मुझे कहा, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग आपके बारे में गलत बात बोलते हैं, आपको गाली देते हैं, आप जाके इंटरनेट पे देखिए क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में। और मैंने उस नेता को जवाब दिया
आप एक बात याद रखिए, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप बीजेपी के नेता नहीं हैं। वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम वो नहीं करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी हैं, हमारा ये इतिहास है। लेकिन मोदी मणि को साध चुके हैं और बीजेपी लगातार इस मणि को अपने वश में रखने के लिए पूजा अर्चना कर रही है। मणि साधना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्र सुनिए जरा। कल जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ये देश के 125 करोड़ की आबादी का अपमान है। अब देखिए मोदी के हाथों में आई मणि का असर। जो विरोधी लगातार मोदी को कोस रहे थे, वो अब उनके सम्मान और अपमान के बीच की दूरी नाप रहे हैं। मणि के वशीकरण का असर देखिए। किसी की हिम्मत नहीं कि वो मोदी के बारे में बोले गए शब्दों में कुछ भी नुक्ताचीनी कर सके। मणिशंकर अय्यर जो है, इनका दिमाग खराब हो गया है, ड्रिल कर गए हैं। शंकर अय्यर तो कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल चुके हैं, तो इनके बयान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मोदी साहब भी यहाँ पर मुख्य प्रधान थे, तब उन्होंने भी सोनिया गांधी को बार गर्ल वगैरह बोला था, वो भी गलत था। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही होशियारी है कि जब कभी विकास में पीछे हो जाते हैं, जा तो धर्म को आगे ले आते हैं। देखा आपने मोदी की मणि साधना का असर, दिमाग घुमा दिया सबका। तभी तो मोदी जी मणि साधना का अखंड जाप कर रहे हैं। कांग्रेस की कामना को खंडित करने वाली मणि को आज पीएम मोदी ने सुबह सुबह पाकिस्तान कवच पहना दिया और कांग्रेस को निःशस्त्र कर दिया। पाकिस्तान ना लोगों जो है बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, मोदी आई गया है, मोदी ने रास्ता माफी नहीं हटा, वो भारत ने पाकिस्तान ना संबंधों नहीं सुधरे। भाइयों मैंने कहो, कोई ने रास्ता ना भी हटा होगा मतलब तू भाई, अरे आपका पाकिस्तान ना नहीं तो झोपड़ी अपन के पास। मोदी की अखंड मणि साधना का असर ऐसा है कि मणि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब वो मोदी जी के मन से चल रही है, उनके मन की बात कर रही है, उसके अपने मन की बात पूछने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के मंत्रों के बीच मणि की छटपटाहट आप भी देखिए। मेरे कुछ कहने से या करने से कांग्रेस को कुछ भी नुकसान पहुंचा हुआ हो तो मुझको बहुत अफसोस है, क्योंकि मुझको पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में गुजरात में हम जीतने वाले हैं। मणि के कांग्रेसी असर को पूरी तरह से बेअसर अपने वश में रखने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात की जनसभा में विशेष संध्या आरती भी की है। कांग्रेस ना नेताओं, गई काले ज आ मोदी तो नीच छे, ये पहली बार नथी बोलिया। खुद सोनिया बेन गांधी भूतकाल मां मारा माटे आ शब्दों प्रयोग करी चुका है। इस तरह से गोधूली बेला में मोदी ने अपनी मणि साधना पूरी कर विजय सिद्धि के सर्वोच्च को चखने का दावा किया है। अब मणि से जागृत बीजेपी विजय कुंडलिनी का ज्ञान दुनिया को चुनाव नतीजों के दिन देखने को मिलेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।